अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहत के जायके। आज अम्मी के किचन में देखते हैं आज अम्मी हमें क्या शेयर करने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी रेसिपी बताएंगी? आज मैं आप सबको सिखाऊंगी बेसन का हलवा। वाह, बेसन का हलवा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हो आप। यकीनन बहुत से लोग जानना चाहेंगे इसकी रेसिपी, तो चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं आप। हाँ, इसके लिए मैं लूँगी 2 प्याली बेसन और 2 प्याली ऑयल और 2 प्याली चीनी। तो ये प्याली का हिसाब इसलिए रखा है ताकि ये आधा किलो अगर वजन नहीं हो जिसके पास तो वो प्यालियों का हिसाब लगा ले। तो ये बराबर लेते हैं। और इलायची लेनी है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, और इसके अलावा कोई भी मेवा ले सकते हैं जी। और फिर सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 4 गिलास पानी लेंगे और फिर ये 2 कप चीनी उसमें ऐड कर देंगे। तो ये पानी के साथ आप क्या बना रही हो? ये मैं इसके लिए शीरा बना रही हूँ, इसको पत भी बोलते हैं, शीरा भी बोलते हैं। इसको बस हम ये बराबर चम्मच चला के और बस एक जोश दे के रख लेंगे, चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। तो थिक नहीं करना इसको, बस ये 1-2 जोश आ गया तो बस इसको उतार के रख देंगे। अब फिर एक पैन में ये ऑयल डाल लिया, 2 कप जो मैंने बताए थे, 2 प्याली। हमने इसको थोड़ा सा गर्म किया तो फिर हमने बेसन डाल दिया। बेसन डाल के फिर बराबर चम्मच चलाते जाएंगे, ठीक है, और फिर लगातार इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये इसको तकरीबन 10 मिनट 7 मिनट ऐसे होता है इसका टाइम ना, जो ये भुन जाता है। अच्छा, और फिर जब तक ये भुन रहा है तो अगर ये थोड़ा सा आपको घी ज़्यादा लगे तो आप इस बेसन और भी डाल सकते हैं। तो जब तक ये इतने भुन रहा है तो आप हमारे चैनल को जब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर लें जी। तो ये फिर हल्की आंच पे आस्ते आस्ते इसको भूनते जाएं। अच्छा, अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है और थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आ रही है, ये इस बात की निशानी है कि अब ये बेसन भुनने लग गया है। तो मगर इसको फिर भी थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि ये अच्छा टेस्ट निकल कर आए इसका, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने अभी इसको देखा तो ये काफ़ी चेंज हो गया है। हाँ, तो अभी भी ये रंग अपना चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा, और इसमें चम्मच मुसलसल ही हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना, ये एकदम कलर इसका तेज़ ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा तेज़ कलर होगा तो फिर वो हलवे का लुक ही चेंज ख़राब हो जाएगा। तो अब ये देखे, ये थोड़ा सा अभी ये हो गया है तो अब हम अच्छे बबल्स आ रहे हैं। हाँ, इसमें अच्छे से बबल्स भी आ रहे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। बिल्कुल खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। हाँ यकीनन। अब ये भुन चुका है, अब हम इसमें जो हमने ये शीरा बना के रखा था पानी का, तो अब इसमें ये ऐड कर देंगे। और ठीक है, वो जो चीनी और हमने शीरा बनाया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। हाँ, और अब चम्मच मुसलसल हिलाना है और आंच को तेज़ कर देना है। इस मौके पर आप ये बस चम्मच चलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना पड़े इसमें। अच्छा, जब हम भुनाई कर रहे थे तब हमने इसकी आंच बिल्कुल स्लो की हुई थी और अब हमने इसको तेज़ आंच पर पकाना है, राइट? तेज़ आंच पर पका के अब ये आप इसमें मुसलसल, ये देखें आप कैसे ये चम्मच चल रहा है और काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है इसमें, काफ़ी थिकनेस आ गई है। हाँ, थिकनेस आ गई है और ये देखें कैसे ये बर्तन को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अब ये तकरीबन रेडी होने वाला है। बिल्कुल, वाह, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। वाह, देखें कितना अच्छा लग रहा है ना ये, इसका कलर भी इसका बहुत ही अच्छा सा निकल के आया है। ठीक, अब ये सर्विंग के लिए तैयार है और ठीक है, अब हम उसको प्लेटिंग करेंगे। वाओ, और ये देखें, ये हमने इसको बॉल में निकाल लिया है और ये देखें कितना अच्छा, ये जबरदस्त जो आ रही है ना, बहुत जबरदस्त। और फिर ये डिश आउट करने के बाद ये देखें कितना अच्छा लगा, और फिर आप इसको अपने पसंदीदा नट्स के साथ डेकोरेट कर दें। शब बारात को मुख्तलिफ किस्म के हलवेज बनाए जाते हैं, माह शाबान में अक्सर ये हलवा खसूसी तौर पे बनाया जाता है क्योंकि, और ये जमाने वाले भी हलवे मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, हम इसकी इसी रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। के पर अब ये देखें नट्स डाल रहे हैं और तो ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। डिश आउट के बाद हम इसकी मुख्तलिफ नट्स के साथ डेकोरेशन कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा और बहुत ही यमी बनेगी। और कमेंट करके आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी, और हम ये खाकर अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये चलिए ये मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा लगा। हाँ ठीक है, फिर अब प्लेटिंग के बाद इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो ये मैंने अब साइड में अपने बाउल में निकाल लिया है और अब मैं टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसा बना है। देखिए आप लोग भी टेस्ट कीजिए। सो यमी, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आप लोग भी ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा मेरी अम्मी का। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा ये आपके साथ आज हलवा हमने शेयर किया है। इंशाल्लाह हम मज़ीद हलवों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। खुदा हाफिज़।